हेलो गाइस वेलकम टू सक्सेस ट्री माई रोहित मेडा गाइस इन सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेमन मैक्से नोबल प्राइस ऑफ एशिया के जो सबसे बड़े अवार्ड द नोबल प्राइस नोबल प्राइस जो कि अल्फ्रेड नोबल की मेमरी में, में दिए जाते हैं ठीक है बट उसके अलावा एक और अवार्ड भी जो है जिसको हम बोलते हैं डेट इज अबल प्राइज ऑफ एशिया जो कि एशिया कंटिनेंट का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है नोबल प्राइज माना जाता है डेट इज द रेमन मैक्से अवार्ड रेमन मैक्से अवार्ड दिस जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है किसकी मेमरी में दिया जाता है और रिसेंटली अवार्ड हम इस सेशन में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है रेमन मैक्से अवार्ड तो रेमन मैक्से अवार्ड की बात करें तो रेमन मैक्से अवार्ड वो स्टार्टेड इन द मेमरी ऑफ दिलीपींस मिस्टर रेमन मैक्से मिस्टर रेमन डेल सातवें राष्ट्रपति दिलिपीसिटी थीडर थे अपने के. अगर मैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद के के देखूं तो ही वॉज दर्ड प्रेजिडेंट एंड ओवर ऑल ही 1953 में ये प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपीन्स के तौर पर इलेक्ट हुए और 1957 दिसंबर तक इनका टर्न था आ, 1953 में इलेक्ट हुए थे और दिसंबर 1957 तक इनका टर्न था बट ना बट मार्च 1957 में ही एक एयरक्राफ्ट क्रैश में आ, इनका देहांत हो गया ही वॉज अवे तो उसके बाद उसके बाद बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित बहुत सारे लोग थे बहुत सारे लोग थे इन, जो इनके साथ जुड़े हुए थे क्योंकि डेमोक्रेसी को लेके लोगों की well को ले बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किए थे फिलिपींस के अंदर फिलिपींस के अंदर वेरी गुड लीडर एट दैट टाइम उसके बाद जब ये नहीं रहे ठीक है इनका देहांत हो गया तो देर इज अर्गेनाइजेशन इन अमेरिका डेट इज अर्क डेट इज रॉकेफर फाउंडेशन तो रॉके गुड फ्रेंड ऑफ दिस्टर किया कि हम एक करेंगे, तो रॉकेफेलर फाउंडेशन ने रॉके फर ब्रदर्स ने यहाँ पर फिलिपींस की सरकार के साथ मिलकर रॉके फलर ब्रदर्स ने यहाँ पर फिलिपींस की सरकार के साथ मिलकर नाइनटीन फिफ्टी सेवन में एक फंड स्टार्ट किया एक फाउंडेशन बनाई दट इज द रेमन मैक्से अवार्ड फाउंडेशन अब इस अवार्ड का इस अवार्ड फाउंडेशन का काम था कि बेसिकली कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ठीक है देर आर इनिशियली फाइव फील्ड्स अनाउंसड कि इन पर्टिकुलर फाइव फील्ड्स में हर साल कुछ uh, जो लीडर्स होंगे जो अच्छे लेवल पे जिन्होंने वर्क किया होगा उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा तो रेमन मैक्स से अवार्ड फाउंडेशन बनाया गया और इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया नाइनटीन में पहली बार ये अवार्ड दिया गया नाइनटीन में यह पहली बार ये अवार्ड दिया गया फिलीपीस गवर्नमेंट और आई कैन से द्वारा पहली बार दिया गया पहली बार इस अवार्ड को यहाँ पे दिया गया था अब इस अवार्ड को देने के लिए बेसिकली पैसा कहाँ से आएगा तो बेसिकली फंडिंग यहाँ पर एक फंड बनाया गया फंड अवार्ड फंड रेमन मैक्से अवार्ड फंड यहाँ पे बनाया गया इस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर फंडिंग होती फंड इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पे लोगों को ऑनर किया जाता है एंड द सपोर्ट बाय द फिलिपीन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ फिलिपींस तो पहली बार 1958 में फाइव पीपल्स को अवार्ड दिया गया दैट इज इन इंडिया इंडोनेशिया फिलिपींस ताइवान एंड श्रीलंका ठीक है और एक फिलिपींस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे इनको अवार्ड ये पांच लोगों को ये अवार्ड दिया गया था उसके बाद हर साल ये अवार्ड दिया जाने लगा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी ये अवार्ड दिया गया रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी वन में भी फाइव uh, ये अवार्ड दिए गए हैं फोर पीपल्स एंड वन वन देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है पांच अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं बट अगर मैं बात करना चाहूँ प्रीवियस की तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है बट 2020 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था 2020 में इस अवार्ड को नहीं दिया गया था ड्यू टू कोरोना वायरस ड्यू टू कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक अवार्ड को स्किप किया गया था और 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे दैट इज द रेमन मैक्से अवार्ड द नोबल प्राइज ऑफ एशिया एशिया के सबसे बड़े अवार्ड है ये दैट इज द रेमन मैक्से अवार्ड गिवन बाय द फिलिपिनस गवर्नमेंट

तो 2020 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे बट 2021 में फाइव अवार्ड्स पे दिए गए हैं तो हम जानेंगे ये अवार्ड किस किस को मिले क्योंकि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सबसे पहले द मिस्टर मोहम्मद अमजद साकिब मिस्टर मोहम्मद अमजद साकिब इनको मिला है 2021 का रेमन मैक्से अवार्ड रेमन मैक्से अवार्ड अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया फर्स्टली ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के अंदर जो पावर्टी लाइन थी वो काफ़ी बढ़ रही है पावर्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे बढ़ रही थी गरीब लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं लोगों के पास पैसा नहीं है कोई छोटा मोटा रोजगार करना हो या कुछ भी बड़ा करना हो लोगों के पास पैसे नहीं है एजुकेशन की बात करें फीमेल राइट्स की बात करें फीमेल इंटरप्रेनरशिप की बात करें तो लोगों के पास पैसा नहीं तो उसी के बीच में एक अंदा एक आदमी सामने आता है अ मोहम्मद अमजद साकिब तो इनको बहुत बेसिकली इस चीज़ से दुख पहुंचता था कि लोगों के लिए ये कुछ करना चाहते थे बट कर नहीं पाते थे लोगों के पास पैसा नहीं है पाकिस्तान में बहुत पॉवर्टी है तो मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने यहाँ पर एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया दैट इज़ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो उसकी शुरुआत इन्होंने करी दैट इज़ मोहम्मद अमजद साकिब साहब ने इसकी शुरुआत करी यह है मोहम्मद अमजद साकिब तो फर्स्टली ही बिलोंग्स टू विच विच कंट्री दैट इज पाकिस्तान ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एरियज थे जहां पर पॉवर्टी बहुत अच्छे लेवल पे

दो साल बाद 2001 में इन्होंने लेटर भेजा और 2003 में यहां पर एक फंड निकल के आया जिस फंड को नाम दिया गया अखुवत जिस फंड को एक नाम दिया गया अकुवत और बेसिकली इसकी जो पहली ब्रांच थी वो लाहौर में ओपन की गई अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट इज अकुवत इसको स्टार्ट किया गया बाय द मिस्टर साकिब बाय मिस्टर साकिब अब अखुवत का मतलब क्या अखुवत का मतलब होता था ब्रदरहुड और सिस्टरहुड अखुवत का मतलब है ब्रदरहुड और सिस्टरहुड जहां से बेसिकली इनका जो मेन टारगेट था वो था बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग दैट दैट इज इफ वन हैज अ लॉफ ऑफ ऑफ ब्रेड हाफ इट राइटली बिलोंग्स टू अ पर्सन हु हैज नन कि अगर आपके पास एक रोटी का टुकड़ा है तो आधी रोटी डायरेक्टली उस उस बंदे के लिए आपको देनी चाहिए जिसके पास कुछ भी नहीं है जिसके पास कोई रोटी नहीं है तो बेसिकली शेयरिंग का जो एजेंडा था वो यहां पर इस्लाम के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने दिया था तो उसी को आगे बढ़ाते हुए साकिब साहब ने अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया दैट इज अखुवत तो यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा होता था ये उस पैसे को फर्दर लोगों को देते थे एट नो कोलेटरल इंटरेस्ट फ्री लोन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे यहाँ पे जो अखुवत है इसके अंदर लोगों को जो पैसा दिया जाता था दैट इज द इंटरेस्ट फ्री यानी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाता ऊपर से कोलेटरल फ्री यानी कि कोलेट्रल भी नहीं लिया जाता था ये पैसा जो था ये बेसिकली जो हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं वहां पे जाके ये पैसा यहाँ पे दिया जाता था ठीक है यहाँ पे जाके दिया जाता था बेसिकली मॉस्क हो गया चर्च होगी ठीक है टेम्पल वहां पे जाके इस पैसे को दिया जाता था ताकि जो लोग हैं वो भी इस चीज को समझे कि लोगों की हेल्प की जा रही है और वो लोग भी फर्दर अगर उनके पास पैसा आता है इस पैसे को रिटर्न करें या फिर आगे लोगों को पैसा दें तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अखोवत की तो अखोवत का जो रिटर्न रेट है मोर देन 99 यहां पे रिटर्न रेट है और अखोबत इज अ वेरी सक्सेसफुल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जो कि यहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए काम करता है तो इसी की वजह से साकिब साहब को दो का रेमन मैक्स अवार्ड दिया गया ठीक है तो लोगों के अंदर जो दान देने की भावना है लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना है रिलीजन जेंडर कास्ट को को साइड पे रखते हुए तो इस चीज़ बढ़ावा दिया है साकिब साहब ने साकिब साहब ने थ्रू द अकुवत थ्रू द अकुफत थ्रू द अकुफत ठीक है अगर मैं प्रेजेंटली बात करूं दैट इज अन पॉइंट नाइन परसेंट लोन रीपेमेंट रेट है विदाउट एनी कोलेट्रल अ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड फोर पॉइंट एट मिलियन पीपल्स को यहां पर लोन दिया जा चुका है हंड्रेड मिलियन हंड्रेड मिलियन तो ये थे अब बांग्लादेशी वुमेन अब बांग्लादेशी साइंटिस्ट तो कादरी साहब की अगर मैं बात करूं कादरी जी की अगर मैं बात करूं तो कादरी जी ने बेसिकली यहां पर सेवरल डिसीज की वैक्सीन को लेके बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है तो बांग्लादेश की रहने वाली ये फिरदोसी कादरी जी ये फिरदोसी मैम इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है साइंस की फील्ड में वो बहुत अच्छे लेवल पे रहा ठीक है चाहे मैं टाइफॉइड की बात करूँ या अदर डिसीजे की बात करें एंड रिसेंटली शी इज फोकसिंग ऑन द कोविड नाइन्टीन वैक्सीन तो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की बात करें कोविड नाइन्टीन वैक्सीन की बात करें उससे पहले कोविड के ट्रीटमेंट की बात करें कोविड केयर की बात में करूँ तो इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे वर्क किया है दरी uh, 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 तो उसी के चलते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है 2021 का रेमन मैक्स अवार्ड ये खुद तो वर्क कर ही रही हैं उसके बाद ये बहुत सारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको टीच भी करती हैं उनको सिखाती भी हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये प्रोड्यूस भी कर रही हैं तो जिसी के चलते हुए इनको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है और इन्होंने बहुत सारे बेसिकली लोगों की जान बचाई अपनी वैक्सीन के चलते हुए अपनी वैक्सीन के चलते हुए यार इन्होंने इन्होंने के चलते हुए इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर जो रिसर्च है उसके ऊपर वर्क किया और इन्होंने यहाँ पर इसको आगे लेके जाना चाह बेसिकली इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके चलते हुए इन्होंने सारे वर्क किए हैं दैट इज

बट ये एशिया से बाहर वाले लोगों को भी मिल जाता है बट ऐसे पीपल जिन्होंने जो ह्यूमेटेरियन वर्क जो है जो डेवलपमेंट वर्क जो है वो एशिया के रीजन के लिए किया हो तो स्टीवन मुंसी की अगर मैं बात करूं ही वाज अमेरिकन बट ही हैज़ डन मैनी थिंग फॉर द साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंडोनेशिया वियतनाम फिलिपींस इन देशों में जो रेफ्यूजीज थे ठीक है तो इन रिफ्यूजीज को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए अपने आप को ग्रो अप करने के लिए अपने आप को आगे लेके आने के लिए स्टीवन मुंशी साहब ने बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया है बहुत अच्छे लेवल पे इनकी लोगों की हेल्प करी है तो इनके इस इंसानियत के फ़र्ज के नाते रेमन से अवार्ड फाउंडेशन इनको यहाँ पे ऑनर कर रहा है तो स्टीवन मुंशी ने एक फंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था दैट इज़ कम्यूनिटी एंड फैमिली सर्विसज़ इंटरनेशनल सी एफ एस आई डेट इज़ इन नाइनटीन एटी वन जिसके चलते हुए इन्होंने बेसिकली लोगों की हेल्प करी लोगों की वेल well बींग लोगों का लोगों की दिनचर्या लोगों को सिखाना लोगों का बेसिकली चाहे वो रेफ्यूजीज़ थे आर्म कन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे डिजास्टर्स में फंसे हुए थे तो उनको निकाला उन लोगों की हेल्प करी और उन लोगों को आगे ग्रो करने के लिए तरफ मुड़ा दैट इज़ द कम्युनिटी एंड फैमिली साइंस इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई थी तो ये ऑर्गेनाइजेशन आज की अगर मैं बात करूँ 48 कंट्रीज़ में ये वर्क करती है 48 कंट्रीज़ और टेरिटरीज में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है और लोगों की हेल्प करती है और रेफ्यूजीज की हेल्प करती है मेनली डेट इज़ फिलिपींस वियतनाम म्यांमार इंडोनेशिया तो इन लोगों को यहाँ पे uh, आगे लेके आते हैं ये

फिलिपींस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड ठीक है फिलीपींस वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड और ऐसे में यहाँ पर फिलीपींस के जो लोग हैं ठीक है उनको बेसिकली उनके जो हालात हैं वो काफी पुअर हैं उन लोगों को ऊपर राइट्स नहीं मिलते उन लोगों को नीचे दबाया जाता है ठीक है वो लोग आज भी बहुत पुअर हैं गरीब हैं हालांकि फिशरीज जो हैं वो 85 फाइव परसेंट फिलिपींस की इकॉनमी में कवरअप करता है बट यहाँ पर जो फिशरमैन थे ये बहुत पुअर से तो उनको ऊपर लेके जाना उनको ग्रो कराना ठीक है ये मिस्टर रॉबर्ट रोबेटो बैलेंस साहब का आई कैन से कि इनका जो इनिशिएटिव था इनका एक और नाम था इनको बोला जाता था कार डोडे कार डोडोई इनको बोला जाता कार डोडोई तो इन्होंने बेसिकली एक यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे वर्क किया कोस्टल एनवायरनमेंट में और फिशिंग फैमिलीज को अपर लेके गए इन्होंने यहाँ पे उनको ग्रो कराया उनको आगे लेके गए ठीक है उनको किस तरह से आगे लेके जा सकता है फिश कैचेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है इन्होंने लोगों को सिखाया लोगों को सिखाया लोगों को आगे लेके गए नेक्स्ट इज वॉच डॉक वॉच डॉक वॉच डॉक इज बेसिकली अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है वो दुनिया भर में मीडिया की बहुत बुरी हालात है, है? है इन सब के जमाने में एक डॉक्यूमेंट्री मेकर मीडिया कंपनी डिजिटल मीडिया कंपनी आगे आती है एक प्रोडक्शन हाउस डिजिटल मीडिया कंपनी नहीं बोलूंगा प्रोडक्शन हाउस में कह सकता हूँ वाचडॉक सामने आता है और लोगों को उनके राइट्स उनके ह्यूमन राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स ठीक है उनकी सर्विसेज, उन सबको दुनिया के सामने सच लेके आने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाना लोगों को ट्रू न्यूज दिखाना इन सबको आगे लेके आता हुआ एक इंडोनेशिया कंपनी एक इंडोनेशिया प्रोडक्शन हाउस डेट इज़ अ वाच डॉग जिसके चलते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया इस अवार्ड से नवाजा गया इंडोनेशिया के अंदर बेसिकली जो भी इश्यूज आ रहे थे उन सबको डॉक्यूमेंट्री मूवीज के थ्रू या फिर सच्चाई के पर्दे पे दिखाना ये वॉच डॉग का इनिशिएटिव था तो वॉच डॉग ने बेसिकली इसको आगे लेके आए वॉच डॉग दो में बनाया गया था लोगों को ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए और यही ये करता आ रहा है यही ये काफी टाइम से करता आ रहा है फॉल्स न्यूज को रोकता आ रहा है और लोगों को सच्चाई दिखाता आ रहा है जिसी के चलते हुए वॉच डॉग को यहाँ पर रेमन मैक्स अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो दैट इज आवर फिफ्थ अवार्ड दैट इज अ वाच डॉग आर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन आ प्रोडक्शन हाउस दैट इज अ वॉच डॉग तो बेसिकली आ, लोगों को सच के सामने लेके आना इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिल चुका है लास्ट अगर मैं बात करूं अगर हम इंडियंस की बात करें तो लास्ट जब ये अवार्ड दिए गए थे ट्वेंटी ट्वेंटी में ये अवार्ड नहीं दिए गए बट तो उससे पहले जब अवार्ड दिए गए थे तो भारत के एन डी टी वी के एक फेमस जर्नलिस्ट दैट इज रवीश कुमार साहब को ये अवार्ड दिया गया था रवीश कुमार साहब को भी ये अवार्ड मिला है जब लास्ट टाइम अवार्ड

और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा और फॉर द मोर अपडेट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन थैंक यू सो मच